कि जो चले गए, आपको लगता है कि वो उनका वो जाना सही रहा या आप लोग यहाँ पे सही हो जब आप भी चले जाते, आपको क्या लगता है? देखिए ये अल्लाह के तरफ से फैसला था, हमारी तो वहाँ 5 बहनें हैं, एक भाई है, हाँ सब औरंगी में। अच्छा। समझ गया ना, 5 बहनें हैं, एक भाई है, समझ गया ना। अब वो वहाँ जाके सेटिंग हो गए, मेहनत तेहनत करके वहाँ स्टेबली हो गए और हम यहाँ पे अभी तो वही कैंप की जिंदगी में। उन लोग वहाँ पे तो कैंप नहीं है, वहाँ पे कैंप नहीं है, उन लोगों को अपना समझ लिया, औरंगी में मकान वगैरह है, समझ गया ना। और हम तो आज भी वही कैंप की जिंदगी में, उन लोगों से हम लोगों से यही फर्क है तो उन लोगों को जबान मिला, हमको जबान नहीं मिली। आपके भी बच्चे उर्दू वगैरह नहीं देखते हैं? नहीं, यहाँ उर्दू का तो कोई अहमियत ही नहीं है। हाँ। उर्दू ना यहाँ पे कहीं पे चलता है, ना उर्दू कोई अदारे में चलता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन, दिस इज़ मीनू शीन चौधरी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, जो बिहारी कम्युनिटी है वो बांग्लादेश में कब गई, कैसे गई और वहाँ पे फंस गई और अब उनके क्या हालात हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो। वीडियो का टाइटल है व्हाई एंड व्हेन डिड बिहारी कम टू बांग्लादेश, बिहारी कम्युनिटी इन बांग्लादेश। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद साहिद खान। अच्छा ये बताइए, बिहारी लोग बांग्लादेश में क्यों आए थे? ये तो समझ लीजिए 1947 में सब हिजरत करके आए थे और इससे भी आगे यहाँ पे सब थे बिहारी सब, लेकिन उस टाइम में बंटवारा होने की वजह से, बॉर्डर समझ लीजिए बंटवारा हो जाने के बाद कुछ चले गए समझ लीजिए पश्चिम पाकिस्तान और कुछ चले आए समझ लीजिए ईस्ट पाकिस्तान। तो क्यों क्यों गए थे वो? वहाँ समझ लीजिए हिंदुओं का जगह था हिंदुस्तान, और एक समझ लीजिए अकाम मुतादा की तरफ से एक समझ लीजिए बंटवारा हो गया था, जिसके वजह से बहुत से आदमी हिजरत करके इधर चले आए, बहुत से चले गए पश्चिम पाकिस्तान। अब यहाँ पे सब आने के बाद समझ लीजिए यहाँ इन लोगों का मिल फैक्ट्री बड़े बड़े समझ लीजिए, वहाँ से नवाब आए आके यहाँ बड़े बड़े मिल फैक्ट्री बनाए, आदम जी भवानी मुन्नू शतरंज समझ गए ना, बड़े बड़े फैक्ट्री बनाए। ये इन लोगों को यानी अच्छा नहीं लगा यहाँ के जो यानी आंदोलन किए थे बंगला भाषा लेके, इन लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, कह रही बाप सब मरवाई जा करबो, इसीलिए एक आंदोलन चला, इसमें राजनीति एक चाल चला, चलने के बाद समझ लीजिए हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ, हम लोगों का समझ लीजिए घर छीन लिया, तालीम छीन लिया। बिहारियों के साथ ये क्यों हुआ? इस वजह से कि ये उर्दू बोलते हैं? हाँ उर्दू बोलते, उर्दू जबान के लिए, ये बंगला लैंग्वेज से और बंगला के लिए समझ लीजिए लोग बंगला जबान के लिए आंदोलन भी किए 1952 में। वो एक नमक का इशू था, लेकिन वो चला गया राष्ट्रभाषा बंगला लेके, लेकिन वो एक नमक का इशू था। रूहुल अमीन उस टाइम में यहाँ का प्राइम मिनिस्टर थे, समझ गया ना, ये नमक का दाम उस टाइम में 50 रुपया केजी हो गया था, ये आंदोलन दूसरा तरफ रुख ले लिया, समझ गया ना। उसी की शहीद मीनार जो बना हुआ है चनका पुल में, वही 1952 का, उसमें दो छात्रों गोली लगा, रूहुल अमीन गोली चलवा दिए आंदोलन दमन करने के लिए। 1971 के बाद ये आप लोगों के कैंप बने हैं या पहले हाँ, भी? नहीं नहीं 1971 के बाद ये कैंप बने। जी हाँ ये 1971 के बाद। सही है, अभी कैंप में बिजली पानी हर चीज़ फ्री है? फ्री है, लेकिन समझ लीजिए बिजली पानी सब फ्री है, लेकिन हम लोग तो यानी कुछ अखराजात देते हैं, ये जो जैसा खर्चा मर्चा ये सब तो हम लोग देते हैं। सरकार अगर से हम लोगों को मीटर देगा तो हम लोग मीटर ले लेंगे। सही। अच्छा ये बिहारी जो थे बहुत से पाकिस्तान भी चले गए और यहाँ भी रह रहे, आपको क्या लगता है जो चले गए वो सही रहे या आप लोग सही रहे? देखिए हम लेबर मजदूर आदमी, हम लोग कहीं भी जाएंगे हम लोगों को खट के खाना। नहीं वो तो ठीक है, जो चले गए आपको लगता है कि वो उनका वो जाना सही रहा या आप लोग यहाँ पे सही हो जब आप भी चले जाते, आपको क्या लगता है? देखिए ये अल्लाह के तरफ से फैसला था, हमारी तो वहाँ 5 बहनें हैं, एक भाई है, हाँ सब औरंगी में। अच्छा। समझ गया ना, 5 बहनें हैं, एक भाई है, समझ गया ना। अब वो वहाँ जाके सेटिंग हो गए, मेहनत तेहनत करके वहाँ स्टेबली हो गए और हम यहाँ पे अभी तो वही कैंप की जिंदगी में। उन लोग वहाँ पे तो कैंप नहीं है, वहाँ पे कैंप नहीं है, उन लोगों का अपना समझ लिया औरंगी में मकान वगैरह है, समझ गया ना। और हम तो आज भी वही कैंप की जिंदगी में, उन लोगों से हम लोगों से यही फर्क है तो उन लोगों को जबान मिला, हमको जबान नहीं मिला। आपके भी बच्चे उर्दू वगैरह नहीं देखते हैं? नहीं, यहाँ उर्दू का तो कोई अहमियत ही नहीं है। हाँ। उर्दू ना यहाँ पे कहीं पे चलता है, ना उर्दू कोई अदारे में चलता है, ना स्कूल में कोई उर्दू सब्जेक्ट है, समझ गए ना, जिसके वजह से नया जो जनरेशन आ रहा है सब बंगला लैंग्वेज, जो हम अपना जबान को यहाँ ख़त्म कर दे रहे हैं। सही है। अच्छा ये बताइए
कोई ऐसा लीडर पाकिस्तान का था जिसको आप लोग पसंद करते थे कि हाँ ये लीडर है, ये हमें हमारे बारे में भी सोचता है या सबके बारे में सोचता है ऐसा? तो इमरान खान के बारे में हम लोग यानी बहुत दुआ हुआ करते थे। अच्छा, अच्छा। अल्लाह के पास कि अल्लाह उसको ये ताकतवर बनाए, आवाम के वोट से आया वो, लेकिन वहाँ समझ लीजिए वहाँ का सियासत इतना ही गंदा है, इतना ही गंदा है जो एक मुसलमान के नाम का धब्बा है, मुसलमान के नाम का धब्बा है। मुसलमान को नबी पाक उम्मत बना के गए थे और अभी जो पाकिस्तान में यानी जितने भी हुक्मरान आए सब फिरका में बांट दिए, समझ गए ना, माने नबी का उम्मत बना के किसी को कोई भी सरकार आके नहीं रखा, नहीं रखा, सही बात। इमरान खान के साथ जो जुल्म हुआ ये गलत हुआ, हर इंसान को हक है। सही है। अच्छा ये बताइए, अभी आप जब पाकिस्तान का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है सबसे पहले? क्या आता है वो तो समझ लीजिए हम लोगों का वतन था, समझ गया ना। सही है। उस वतन के लिए हम लोग समझ लीजिए हम लोगों का बहुत समझ लीजिए उर्दू बोलिए महाजिर बोलिए सब जान दिए खून दिए माल दिए, आज हम वो वतन से दूर हैं, समझ गया ना। अरे कुछ नहीं तो अपना जबान तो मिलता, सही है, सही। एक नौकरी मिलता, एक सरकारी जॉब मिलता, लेकिन वो सबसे हम लोग यहाँ महरूम हैं। एक समझ लीजिए जुगी का जिंदगी, कौम को बर्बाद, जिस कौम को बर्बाद करना उसको कैम का जिंदगी डाल दीजिए, वो कौम ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। और हम लोग ऐसे बर्बाद हो गए, ना हम लोगों का तालीम है, ना हम लोगों का स्कूल है, ना हम लोगों का मदरसा है, उर्दू बाहर बोलने से मड़ुआ बोलता है हम लोगों को। सही है, सही। आप बांग्लादेशी लैंग्वेज बोलते नहीं बोल सकते लेकिन वो लोग समझ जाते हो आपने मड़ुआ ना, दिल में एक धक्का लगता है कि वो भी मुसलमान नबी का कलाम पाक पढ़ने वाला, अल्लाह का कलाम पाक पढ़ने वाला, वो भी नबी का उम्मत, हम भी नबी का उम्मत। अच्छा ये बोलिए, अभी आप पाकिस्तानी लोगों के लिए या वहाँ के कोई नेता लोगों के लिए कुछ बोलना चाहें, किसी को क्या बोलना चाहें? यही बोलना चाहते हैं कि मुसलमान के हिसाब से सबको उम्मत बन के रहना चाहिए और दीन के काम में बेसी जद्दोजहद करना चाहिए, इसलिए कि हम लोग ज़िंदगी बहुत मुख्तसर लेके आए हैं, ये ज़िंदगी समझ लीजिए चौरस्थाई है और आखिरत का ज़िंदगी समझ लीजिए अब्दो अब्दाब है, ये ज़िंदगी हम लोगों का ख़त्म होने वाला नहीं है, तो हर मुसलमान को वहाँ के लिए कुछ ना कुछ बना के लेके जाना चाहिए। सही बात, समझ गए ना। सही, पाकिस्तान के लिए गुस्सा है आपके दिल में? नहीं नहीं, गुस्सा क्यों रहेगा, वो तो समझिए हम लोगों का वतन है, गुस्सा क्यों रहेगा। अच्छा, भाई भाई में झगड़ा होता है। सही बात, ये हम मेरे नसीब में था जो हम यहाँ रह गए, मेरी बहनों का मेरा भाइयों का तकदीर अच्छा था, उन लोग पाकिस्तान में चले गए। सही बात। आज उन लोग बताते हैं कि 800 रुपये के जी भाईजान गोश्त खरीद के खाता हूँ, तो जब उन लोगों के पास उनका इनकम है तब ना खाता है। सही बात। तो ये इसके लिए कोई हर्ज नहीं है, समझ गया ना, लेकिन वहाँ जाने से हमारे बाल बच्चे को एक जबान मिलता, यहाँ हम जबान से महरूम हो गए। अच्छा, अभी आप लोगों के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है, ठीक है, आप कभी भी पाकिस्तान जाना चाहें, आप लोगों को वीज़ा नहीं चाहिए होगा, फ्री एक रुपया नहीं लगेगा, आप घर बैठ के आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर अभी आपको मौका है आप जाना चाहें तो आपका दिल करता है मैं जाऊँ वहाँ? किसी नहीं जाए वहाँ, हमारी 5 बहन है, पूरा खानदान है हमारा, जाना चाहेंगे। अब देखिए ना, ये हम महाजिर यानी हमको जो बिहारी का लकब दिया गया, हम तो हम भी महाजिर हैं लेकिन हमको सियासती हिसाब से महाजिर का लकब दे दिया गया, महाजिर से हम बन गए क्या बिहारी, 71 के बाद हम बन गए बिहारी, 71 से आगे हम थे महाजिर। ये 2.25 जितना मकान देख रहे हैं ना, सब महाजिर के नाम से बरद्दो है। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। इससे पहले भी हमें काफ़ी रिकमेंडेशन आई थी और हमने जो बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान में रह चुके हैं उनके बारे में देखा था कि वो पाकिस्तान में किस हाल में रह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को कहना था कि उन्हें आईडी कार्ड भी इशू नहीं हुए, लेकिन फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने काम किया और इस पर जो है वो काम जारी है। लेकिन अगर देखा जाए पाकिस्तान के जो बिहारी कम्यूनिटी है तो उनका भी बांग्लादेश में कोई अच्छा हाल नहीं है। जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्हें उर्दू लैंग्वेज उनकी अपनी लैंग्वेज है वो भी बोलने की इजाज़त नहीं, अगर वो बोलें तो उनको अच्छा नहीं समझा जाता और उनके लिए कोई स्कूल नहीं है, कोई मदरसा नहीं है, उनके बच्चे जो हैं उनकी उर्दू लैंग्वेज जो है वो ज़ुबान ख़त्म हो चुकी है, वो बंगला भाषा जो है वही बोलते हैं। और जो फैमिलीज पाकिस्तान में आ गई वो उन्होंने अपने घर बना लिए और वो यहाँ पे उन्हें जॉब्स मिल गई और वो यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन जो बांग्लादेश में रहे थे वो वहाँ कैंप्स में रह रहे हैं और आज तक वो कैंप्स में ही हैं और वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सके और उनकी ज़िंदगी में आगे कोई बेहतरी नहीं आई। ये थी आज की वीडियो, जिस तरह बंगाली लोग ये गिला करते हैं कि उनको पाकिस्तान वालों ने उनकी ज़ुबान को रिकगनाइज़ नहीं किया और उन पर बड़ा जुल्म किया गया, उन्हें अच्छी नौकरियाँ नहीं दी गई, उन्हें उनका हक नहीं दिया गया, इस तरह बिहारी कम्यूनिटी को भी ये गिला है कि वो हिजरत करके बांग्लादेश गए थे लेकिन उनके ख़िलाफ़ साजिश की गई, बहुत बड़े बड़े बिजनेस उन्होंने बनाए लेकिन कुछ बंगला लैंग्वेज बोलने वाले लोगों ने इस तरह की साजिश की कि ये उर्दू स्पीकिंग लोग हैं
और उनका कत्लेआम किया गया और उनको कैंपों के अंदर भेज दिया गया, और आज तक वो कैंप की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उनका कहना था जिस कौम को तबाह करना हो उसको कैंप में भेज दिया जाए तो वो बिल्कुल ग्रो नहीं कर सकेगा। आज वो उर्दू ज़ुबान बोलना चाहते हैं, उनके बच्चे उर्दू ज़ुबान नहीं बोल सकते क्योंकि उर्दू ज़ुबान का कोई कॉन्सेप्ट बांग्लादेश के अंदर नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बंगला लैंग्वेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसी तरह अब उनको प्रॉब्लम हो रही है। और वो पाकिस्तान में जो उनके रिलेटिव आ गए थे वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनका दिल करता है कि वो पाकिस्तान आएँ। और अब पाकिस्तान हुकूमत ने वीज़ा फ्री कर दिए हैं और सिर्फ आपको टिकट बाय करना पड़ेगा। बुज़ुर्ग का कहना था, मुहाजिर जो बुज़ुर्ग थे बिहारी, उनके मेरी बहनें और मेरे भाई कराची में मौजूद हैं और आज वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 800 रुपये किलो गोश्त खरीद के वो खाते हैं, जबकि उनका कहना है मैं आज भी एक कैंप में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और यहाँ पे वो सहूलतें नहीं हैं और ना इतना ज़्यादा वो ग्रो कर सकें। बताइएगा आपका इस वीडियो के बारे में क्या ओपिनियन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी स्टे वेल्दी स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।